तो गाइस वेलकम टू द फाइनल ऑफ T10 IPL 2023 इन क्रिकेट 22, जहां पे आज मैच है मुंबई और आरसीबी के बीच में, वो भी NMS स्टेडियम से लाइव है अपन। एंड न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट आरसीबी वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, और मियां भाई ने पहले बॉल पर सिक्स खा लिया रोहित शर्मा से, क्या स्टार्ट हुई है। और सेकेंड बॉल पर प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट निकाली है, मतलब हो गया कैच, डीके भाई का बढ़िया कैच, प्रॉपर मतलब मिडिल ऑफ से आउटस्विंग होती हुई फोर्थ फिफ्थ पे खत्म होती हुई, और भाई बहुत बढ़िया विकेट रोहित भाई गॉन। ये देखो भाई व्हाट अ विकेट, स्टिकर कहाँ गया बैट से, ठीक है। और एक और विकेट फोर्थ बॉल पे तिलक वर्मा आए थे और बोल्ड हो गए सीधा, एकदम फुल बॉल डाली थी और प्लेड ऑन। ओके स्काई आते ही सीधा फ्लिक किए और चौका मिला, वाओ स्क्वायर लेग पे। ओके सीधा सिक्स मार दिया हेजलवुड ने, गुड लेंथ डाली, स्काई भी लाइक चाहे शॉट ब्रो। तो गाइस ये भी चौका है वैसे तो, आप लोग लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, वो भी ऑल पे करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बात करते हैं गेमिंग की, तो हियर इज अ न्यू ऐप टू अर्न एंड ट्रेड योर फेवरेट प्लेयर स्पोर्टिगो। स्पोर्टिगो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप है जहां आप बन सकते हैं क्रिकेट सुपर ट्रेडर। ये एक स्टॉक मार्केट गेम है जहां आप कंपनी के शेयर ट्रेड करने की जगह क्रिकेटर के इंडिविजुअल फैंटेसी शेयर्स ट्रेड करके जीत सकते हैं। आपको दिखेंगे लाइव प्लेयर स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड गेमिंग साइट्स और भी बहुत मौके इस ऐप पे जीतने को। इस ऐप की खासियत है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग और ना ही दूसरे ऐप्स की तरह टीम बनाने की झंझट, लीग में पार्टिसिपेट करने का प्रेशर, और अब गेमिंग से कोई बोर नहीं हो सकता। एक और बात, यह ऐप एकदम बिगिनर फ्रेंडली है सो इट इज वेरी इजी, और यहाँ पे आपको अपना इंडिविजुअल प्लेयर पोर्टफोलियो भी दिखेगा जहां पे आप अपनी सारी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड देख सकते हो आसानी से। ज्वाइन करने पर आपको 100 रुपीज ज्वाइनिंग बोनस के साथ मोर एडेड 50 रुपीज वेलकम बोनस भी मिलेगा ये कूपन कोड play50 यूज करने से। तो अब मैच देखने के साथ ट्रेडिंग भी कर लो, आज ही डाउनलोड करो स्पोर्टिगो और ट्रेडिंग के साथ खेलो और जीतो। बहुत बढ़िया एज लगी और चौका नसीब तक भी होगा ही नहीं, और पूरी वीडियो फुल स्क्रीन में देखा करो, लास्ट में पूरा मैच कैसा था उस हिसाब से आउट ऑफ 7 रेट कर सकते हो, थ्रिलिंग था कि नहीं वो बता सकते हो। और आज तो फाइनली भाई थोड़े फीडबैक इस सीरीज के बारे में भी बता ही सकते हो, एक कमेंट करके जाना, नहीं तो भी एल्गोरिथम के लिए शॉट ऑफ द डे, बॉल ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे सब कुछ कर सकते हो। बहुत बढ़िया एक और मस्त है, और लाइनअप्स क्या है तुम लोग को सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MI की लाइनअप मैंने वहीं से उठाई कमेंट से, और RCB के 4 फॉरेनर्स तो वही है जो मैं तुमको बता रखे थे। शॉट, ये तो चौका जाएगा यार, यही खाली रखा था पावर प्ले के लास्ट ओवर, हर्षल पटेल ने जो डाला उसमें सिर्फ 2 रन आए, और पावर प्ले 27 पे तो बेस्ट रह गया भाई फाइनल पे आते आते। ये तो सिक्स है और डिफिकल्टी वही अपनी 100 25 100 100, ये कैच है क्या। ओके स्काई गॉन 24 of 14 15। ओके किशन अभी ओपनिंग किए थे, अभी दूसरी बॉल खेली है, वाओ चौका बैट पैड। ओके बच गए शॉट, डेविड ने स्वीप करके चौका मारा है। ओके मैंने मान लिया, आगे बढ़ते वैसे पता चल जाता है सिक्स जाना है। एंड गाइस ह्यूज शाउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर लेजेंड मेंबर्स जो अपने चैनल पे हाईएस्ट टियर की मेंबरशिप है, जिसमें नीलेश भाई और उज्जवल भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ लेजेंड मेंबर भाई, बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू। शॉट चौका एंड स्पेशल थैंक्स एंड ह्यूज शाउट आउट टू आवर इंटरनेशनल मेंबर्स एज वेल, आपको सबके नाम दिख रहे स्क्रीन पे, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। तुम लोग इन लोग के लिए हैशटैग भी कर सकते हो, ये अपने चैनल पे सेकंड हाईएस्ट टियर की मेंबरशिप है। वाओ भाई कितना फंबल, ठीक है शॉट भाई, क्या गैप निकाली है, एक और, अबे खोल दो भाई फील्ड वरना मैच खुल जा रहा है। वाओ भाई मैंने तो स्लिप भी हटा दी, उसके बाद भी ये गैप निकाल के चौका मार रहा है, फायदा क्या। आज हर्षल से लास्ट ओवर में 8th ओवर करवा रहा था, उन्होंने एक ओवर में 2 रन दिए थे, अब 1.1 में 6 हो गए हैं। ओके बोल्ड कर दिया, अपने काम कर रहे ना, बात खत्म। 12 बॉल में 26 डेविड गॉन। ओके रमनदीप सिंह आया आते ही बीट, ओके फिर से बीट। ओके मियां भाई आया पहली बॉल पे चौका 9th ओवर, वाओ वाओ व्हाट अ शॉट ब्रो, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे ऐसा शॉट चौका भाई। हेजलवुड लास्ट ओवर डाल रहे हैं, गलती कर दी क्या मैंने हर्षल से पहले करवा के, फाइनल में करनी तेरे को गलती, आज इतना अच्छा रोक के रखा था अभी तक। चौका है क्या ये, अबे लवली टाइमिंग बोला तब मुझे लगा चौका जा रहा, मैं बोला सीधा फील्डर के हाथ में। लास्ट बॉल इनिंग्स की और चौका भाई, और क्या डाल रहा था, नहीं डली 2 फुल, अरे रोक दिया क्या बात, डुप्लेसी भाई कितने रन बचाई, 2 रन 1 रन 2 रन बचाए भाई, 2 ही भागे ये, वाओ 110 का टारगेट फाइनल में, वैसे प्रेशर के साथ तो ज्यादा ही है। डुप्लेसी और कोहली भाई आते हुए, लेट्स गो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट बॉल डालेंगे जोफ्रा आर्चर, एंड बुमराह अवेलेबल नहीं है तो इसमें नहीं खेल रहे, वो कमेंट से उठाए लाइनअप तुमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना दोनों टीम्स की।
ओके पहली बॉल ही बीट। आर्चर को खेलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है भाई यार, नामुमकिन नहीं होता है। और यार लास्ट में जो सुपर ओवर में, लास्ट एपिसोड नहीं देखा गया, देखो उसमें वो जो कोहली भाई का शॉट था ये सबको अच्छा लगा था। मैं बोला प्रैक्टिस की भी ट्राई करते एक और बार। नाइस बैकफुट पंच भाई, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को तुम हाफ ट्राइगर दे रहे हो तो बैकफुट पंच नहीं पड़ेगा क्या दो रन के? शॉट बहुत बढ़िया, मतलब भाई पता था मुझे पिछली हाफ लेंथ थी, इस बार फुल ट्राई करेगा, बस हाफ वॉली ड्राइव कर दिया चौका, चार भाग ली ना, चौका चौका होता है, भागा हो या मारे हो, देखो चार भाग ली, इजी कोहली भाई हैं। वाइड नहीं है क्या ये? दे दी शॉट इनटू द हैंड्स एंड इट्स अ सिंगल। कोहली भाई की स्पेशल चेक कवर ड्राइव, मतलब ये थोड़ा दूर रह गए बॉल से तो चेक कर लिया और दो रन ले लिए, पहले ओवर से 12 रन ठीक है। बैरनडॉर्फ खेल रहे हैं इधर से सेकंड, इनके पेसर दो रन मिलेंगे पहली बॉल पे इजी। भाई क्या मस्त पुल था सिंगल, अरे क्या बात एंगल के साथ यार, ये आउटफील्ड क्या है, एनएमएस की आउटफील्ड ऐसी, दो रन ही मिलेंगे। गुड शॉट फॉर अ सिंगल, गुड शॉट, दो रन या इजी दो रन यार, अब फाइन खेलना था तो टाइमिंग गुड हो गई, दो रन फिर से। कुमार कार्तिकेय आए हैं और फर्स्ट बॉल पे ले लिए दो रन या इजी, चिल करके खेलना, फाइनल का प्रेशर आ जाएगा एक विकेट गई तो। गुड शॉट ओके इजी सिंगल, ओके सिंगल मिलेगा क्या, रन आउट ओके वेरी क्लोज, ओके इट्स आउट, डुप्लेसी गॉन। भाई कोहली भाई को फुल टॉस, वो भी इतना रूम देखे ऑफ साइड में, एक भी बाहर फील्डर भी नहीं, चौका खाओ। बैकफुट से कट कर दिया है फ्रंट ऑफ स्क्वायर, दिस कुड बी अनदर बाउंडर, नो टू रन्स या बे यार, दो दो ही मिल रहे एक तो। ओ यार अंदर आई थी, बच गया, अभी आउट होता था भाई, और कोहली भाई आउट हो गए तो फिर दो हमारे पिलर्स में से एक तो चले गए हैं, एक अभी रुके हैं, पता नहीं कब तक रुके हैं। तीन ओवर में 34 पे एक गुड पावर प्ले, पावर प्ले का ऋतिक शौकीन और टॉप एज लगी, मुझे समझ नहीं पड़ा क्या हुआ, मैं रन भाग गया भाई यार, दो भी नहीं आएंगे अब तो। एक और सिंगल ही मिलेगा यार, अब एक बाउंड्री ओवर में चाहिए, नहीं 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 तो कैच तक भी नहीं गई, वाह पिच से भी बाहर नहीं गई सिंगल यार, लेंथ ही नहीं मिली, इस बार भी मैं आगे बढ़ने वाला था, दो रन इस बार बोल रहा है लेकिन नहीं, रिस्क नहीं, अभी भी अर्ली हुआ नहीं, अबे वाह आउट भाई रजत पाटीदार, महिपाल लोमर और गोल्डन डक, मैक्सी इज हियर सो है स्वीप, दूसरी बॉल पे आए उन्होंने अपना झाड़ू घुमाया, मार दिया चौका, नहीं नो भाई बच गया, ग्लव लगा था ये, देखना एम्पायर रन देगा अभी, देखो रन दिया भाई, 5/4 हो गया। ओके थैंक यू, मैंने बोला फील्डर के हाथ में खेलती थी था, फील्डर भी लाइक पता नहीं लगने दूंगा कि पैसा, ठीक है दो रन मिले हैं, नहीं तीन मिल गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चौका आने के बाद और एक बार तीन रन आने के बाद भी 8 ही रन आया, क्या ही फायदा। हाँ सिंगल, वो बोल रहा है समाओ दे नीड टू फाइंड द बाउंड्री, हमें सिखा रिया है, दो रन बताओ सिंगल के लिए इतना रिस्क लेना पड़ रहा है, एक ही मिलेगा बस, ये क्या है भाई सिंगल मिलेगा, शॉर्ट आर्म जैब टाइप खेलना था। एक और बार सिंगल, अबे रन ही नहीं आ रहे भाई कहीं से, बाउंड्री सोच भी नहीं पकड़ पा रहा मैं कहां से मारूं, बस पूरा वेट किया मैं और चौका मार दिया मैक्सवेल ने, बट मैंने सोचा आगे की बॉल आएगी, बहुत ज्यादा प्री जज कर रखा था मैंने। कैमरन हरा, कैमरन ग्रीन आया, इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला, रमनदीप इनके जस्ट सुपर आए थे, ओके ठीक है। चौका आ गया पहली बॉल पे, 5 सिंगल निकालो, 9 रन का ओवर, 10 के रिक्वायर्ड, कूल चलेगा सब, और इस पे भी 2 आ गए देखो, 10 से ज्यादा की वैसे रिक्वायर्ड, 4 में 50 चाहिए भाई, 5 में नहीं। गुड शॉट, इस बार भी 2 मिल जाएंगे या इजी 2, तो भाई ज्यादा स्लो नहीं होगी, फिर से 2 मिल जाएंगे, नो वरीज, मिस टाइम 2 रन, इस बॉल पे बाउंड्री चाहिए थी यार नहीं आई भाई, 42 ऑफ लास्ट 3, 14 का रिक्वायर्ड, खत्म लग रहा मेरे को तो।
रमनदीप से गया है बॉलिंग के लिए और मैं स्कूप सोच के बैठा था, ओके चौका मिल जाएगा भाई, मेरे को लगा खत्म हो गया मैच यार, फिर से स्कूप सोच के बैठा था मैं और इतनी स्लो, वाओ एज लग के भी वहां तक नहीं गई भाई, क्या बॉलिंग है यार ये, आप ही नहीं पता है बॉल पास तक, दो रन भाई, 100 की पेस 110 मैक्स है इसकी पेस, वाइड कला, अबे यार सिंगल, 8 ओवर 77 पे 3, इससे अच्छा टाइमिंग क्या करेगा मैं, 33 ऑफ लास्ट 12 और यहाँ पे कोहली भाई रन आउट, खत्म मैच, भाग ले भाई 33 क्या बोलूँ भाई मैं, 32 चाहिए 10 बॉल में, और शाबाज ले आया मैं गलती से, डीके भाई लाने थे, कोई नहीं अब तो सबको मारना है हर बॉल पे, वाह भाई वाह क्या शॉट था ब्रो, दो रन मिलेंगे, हाथ में खेल दिया सीधा, सही है भाई, 8 बॉल 30 रन 7 बॉल 26 रन ठीक है, लास्ट ओवर 22 मैक्सवेल ने तो भाई बहुत अच्छा ट्राई किया है, लास्ट ओवर 22 और यार फ्री के रन मिल जाते भाई, 21 चाहिए अभी 6 बॉल में, ठीक है भाई निदास ट्रॉफी याद कर सकते थे वैसे, बट ठीक है पहली बॉल पे कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है खत्म, हाँ भाई सही है, 4 बॉल 19 चाहिए अब, 3 बॉल 16 नहीं 17 ना, 2 आए ना 2 बॉल 11 भाई, क्यों भाई उम्मीद जगा देते हो हारने के बाद, देखा बस यही बोल रहा था, उम्मीद क्यों जगाते हो, खत्म ही है, आउट आउट मैक्सवेल, क्या फायदा भाई 8 रन से फाइनल, वाह ये भी छोड़ दिया और जला लो तुम, ओ भाई कर लो, डीके भाई भी आउट, जीत गए भाई मुंबई यहाँ पे ट्रॉफी, वाह हम इतना सीजन अच्छा खेले, लास्ट मोमेंटम गया, लास्ट 3-4 मैच तुमने देखे क्या ही हो रहा था भाई, लास्ट मैच भी हारी गए थे एनीवेज, एंड एमा इज योर विनर, क्या मतलब यही प्रेडिक्शन है मेरी, नहीं मेरी प्रेडिक्शन इस साल के लिए CSK है, मेरे हिसाब से बाकी मेरे को लग रहा है जीत सकती है, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया टीम बना रहे हैं, सो लेट्स सी, मतलब टीम कॉम्बिनेशन बहुत सही कर रहे हैं बेन स्टोक्स, और ईशान किशन मैन ऑफ द मैच 42 ऑफ 20 नॉट आउट भाई, कोहली भाई ट्राइड हिज बेस्ट 43 ऑफ 27 एंड सो एज मैक्सवेल, मुंबई वॉन बस जस्ट 6 रन के डिफरेंस में फाइनल आ गया हूँ यार, ठीक है अब हर सीजन तो जीत नहीं सकता, लास्ट ईयर भी हम जीते थे, इसको और भी तुम शायद ज़्यादा रियलिस्टिक बोलोगे, ठीक है चलो गाइस देन दैट्स इट फॉर दिस सीरीज, मैंने तुमको लीग स्टेज के बाद के स्ट्रेटजीज दिखाए थे, उसके साथ ये 2 मैच के तुमको प्लस करने कर लेना, क्योंकि बाहर अभी देखने का फायदा नहीं, अलग अलग ही दिखाने वाला है, सो दैट्स इट फॉर दिस सीरीज, बहुत अच्छा रहा मेरे चैनल के लिए, तुम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, बाकी बताना कैसा है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और अभी नेक्स्ट वीक से फिर कुछ और मैं प्लान करता हूँ, चलो ठीक है बाय बाय, कमेंट करके जाना फुल स्क्रीन से निकलो भाई, कमेंट करो, बाय बाय।